Before you start the video, I just want to let you know this is a remaster of my old SMEs video and first love part 2 को अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है जिसके बारे में मैं तुम्हें एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा एंड ऑल्सो आई विल शो यू गाइस अ स्नीक पीक ऑफ फर्स्ट लव पार्ट 2. So now enjoy the video. Good morning all of you respected principals or teachers and all my dear friends, brothers and sisters. Today the assembly is held by class 8, so let's join our hands and start the prayer. Later. तो बच्चों इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर ओके तो बच्चों अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए. मिस्टर बिलाल AKA हमारे केवी का प्रिंसिपल और एक नंबर का नितम छेद क्योंकि ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता ना यूट्यूब पे. एक मिनट क्योंकि सुबह सुबह भरी धूप में बच्चों को 2 घंटे तक खड़ा रखना जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज के जमाने का रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर हुआ करता था और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे. When I was in my college, I was the most hardworking student of my class. और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित भड़ा मेरा मतलब मेहनत की वजह से. अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा. ए गिर गया उठा 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 आराम से बेहोश हो गया आराम से कोई नहीं गिरा सकता. बहुत ही भले किस्म के इंसान है या अबे ओ गलत टाइटल है ये. अरे हाँ सॉरी सो 4th स्टैंडर्ड स्कूल की फीस भरने का दिन था एंड यू नो केवी में फीस तुम्हें हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो तब बात अलग है क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप 1 साल की फीस एक ही बारी में भर देता था. आई डोंट नो ये भी कोई फ्लेक्स करने वाली चीज होती है क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था. अमन ये क्या है टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें इतना हंस क्यों रहा है हाथ निकाल. सर आप मुझे नहीं मार सकता. क्यों नहीं मार सकता क्योंकि मैंने पूरे साल की फीस भर दी है. तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी. हाँ सर पूरे साल की भर दी. तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता. हाँ सर आप मुझे हाथ भी नहीं लगा. देख ब्रो आई गेट इट तेरा बाप अमीर है बट इसका मतलब ये नहीं कि तू 1 साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे. पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो. काके तुसी तो बहुत भारी हो. आराम से गिर जाऊंगा नहीं तो मैं खाना भी नहीं खाया मैंने आज. एनीवेज उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए सेइंग कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है ठीक है. एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी. इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम हाउ कुड यू. अच्छा अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज छाप पाता. उस दिन सिर्फ 3 zeros देख के मैं चौंक गया था बट यू नो व्हाट इज मोर शॉकिंग अगर मैं इसमें 4 zeros और ऐड कर दूं तो यानी कि 1 करोड़. यप दैट्स द यूजर बेस ऑफ इंडियाज #1 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच. अभी तुम लोग को पता है कि आजकल क्रिप्टो करेंसी कितना डिमांड में चल रहा है. हर तरफ बस लोग डोगे कॉइन करते रहते हैं. सो व्हाई नॉट यूज कॉइनस्विच. इसमें तुम 75+ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे बिटकॉइन इथेरियम और वो तुम्हारा डोगे कॉइन भी. हाँ ना CoinSwitch की सबसे खास बात यह है कि तुम इसमें मिनिमम 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो एंड थैंक्स टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इस ऐप को कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। इट्स लाइक बुकिंग अ कैब और ऑर्डरिंग अ फूड ऑनलाइन। ऑल्सो दे हैव सुपर फास्ट केवाईसी, तो तुम्हें वेरिफिकेशन करके वॉलेट अनलॉक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Easy. And you know the cool thing about CoinSwitch is they don't take any hidden charges for deposit or withdrawal. मस्त है ना? So description में CoinSwitch का लिंक दिया हुआ है एंड अगर तुम मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 50 रुपीज का बिटकॉइन ऐसा फ्री में मिल जाएगा, समझ रहे हो? फ्री। अभी थैंक यू मत बोलो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम लोग के लिए। सो जाओ डाउनलोड करो CoinSwitch एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे। मेरा मतलब वीडियो देखने के बाद जाना, अभी चुपचाप वीडियो देखो, ठीक है? So now I have the money in my hand, but no idea कि फीस देना किसको है। मेरे सामने पियोन खड़ा था तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ, बट फॉर सम रीजन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गांव भाग जाएगा। हैं? क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। ए सज्जा, रज्जो, बंटी, बबली, टिट्टू, स्वीटू, दारू का इंतजाम हो गया रे। नाउ सिंस मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया, बट देन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था, बट ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है। ये पहली मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचा, जी एक मिनट, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में, दैट्स राइट, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, तो मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी। बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे। अच्छा वैसे प्रिंसिपल सर कहाँ पे? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए हैं। बड़े काम चोर है। क्या बोला तुमने अभी? क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर। एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुँच गया, सर फीस। नाउ हियर्स द थिंग, मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ बिकॉज उसकी सड़ी हुई शक्ल में रोज सुबह असेंबली में देखता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता बिकॉज मैं भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खड़ा रहता हूँ। सो ही डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। एंड नाउ अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक 8 साल का बच्चा रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल के मोस्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के सामने पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे पैसे। Now I realize how embarrassing must have been for him. So I guess I deserve it. ये क्या है? तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है, हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are, हाँ? Go to your class. और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। Hey guys, वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले 2-3 बातें सुन के जाओ। पहली बात, फर्स्ट लव पार्ट 2 को अनफॉर्चुनेटली 4 महीने और लगने वाले हैं। एंड आई नो कि मैंने बोला था मैं 4 महीने के अंदर पार्ट 2 डाल दूंगा, बट देखो मेरे लिए भी ये चीज़ नया है, मैं भी पहली बार इतना हाई लेवल एनिमेशन कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है। मैंने बस कैलकुलेशंस करके बोल दिया कि 4 महीने में हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं इस चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ बिना कोई कसर छोड़े। अपना बेस्ट देना चाहता हूँ ताकि रिग्रेट ना रहे कि यार इसको ऐसे बनाना चाहिए था, जल्दी जल्दी में बना दिया, वैसा कुछ ना हो। इसलिए मैं इस चीज़ को आराम से टाइम लेके बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग को भी मज़ा आए और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले, और साथ ही साथ मेरी हेल्थ भी ख़राब ना हो, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरी हेल्थ की, समझ रहे हो ना, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट। एंड मैंने इस वीडियो को एक महीने के अंदर जल्दी जल्दी बना दिया ताकि तुम लोग एटलीस्ट कुछ तो एन्जॉय कर पाओ, क्योंकि आई नो तुम लोग मुझे मिस करते हो। सॉरी। So anyways, thank you for watching this video and thank you for all the support and love you guys have been showing to me, and also thank you for 400k. I'm so blessed. Anyways, don't forget to download CoinSwitch from the link given in the description if you want 50 rupees of free Bitcoin. चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए